Hey guys, welcome to the Ultimate Channel. मेरा नाम है आदित्य और हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक काफी पॉपुलर क्वेश्चन के बारे में जो कि हमसे फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है #AskTUC का जो सीरीज है हमारा, कि पिटबुल जो है वो फर्स्ट टाइम ओनर के लिए ठीक है या नहीं है, पिटबुल को फर्स्ट टाइम ओनर ले सकते हैं या नहीं ले सकते, पिटबुल टेरियर क्या एग्रेसिव होते हैं और पिटबुल टेरियर को रखना क्या ओनर के लिए डेंजरस हो सकता है, और ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो आज का हमारा जो एपिसोड है इसको हम मेन फोकस रख के उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि पिटबुल को जो है फर्स्ट टाइम डॉग ओनर रख सकते हैं या नहीं रख सकते, और अगर रखते भी है तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। बट गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है डॉग्सपीडिया, जिसमें अभी हमने एक रिसेंटली वीडियो डाली है कि 25 रुपए के अंदर कैसे एक होममेड ऑयल बनाया जाए जो कि डॉग्स के कोट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो और डॉग के कोट को शाइन कर सके। और उस ऑयल को हमने अपने डॉग जूजू पे भी ट्राई किया है, जिसे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो ऑयल काम करता है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें हमारे दूसरे चैनल पर जाके, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सो गाइस, पिटबुल टेरियर जो कि एक पिटबुल की कैटेगरी है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि पिटबुल जो है वो कुछ डॉग्स की कैटेगरी होती है और उसमें से एक होता है अमेरिकन पिटबुल टेरियर। अब पिटबुल की कैटेगरी में अमेरिकन बुली भी आते हैं, अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर भी आते हैं, अमेरिकन बुल टेरियर भी आते हैं और अमेरिकन पिटबुल टेरियर भी आते हैं। अब इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि काफ़ी लोग ये समझ लेते हैं कि अमेरिकन बुली जो होते हैं वो पिटबुल डॉग ब्रीड है और वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होती है, काफ़ी डेंजरस होती है, जबकि ऐसा नहीं है। पिटबुल और अमेरिकन बुली में काफ़ी बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट अमेरिकन बुली का जो फेस है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और पंच फेस होता है, और पिटबुल जो है उसका फेस थोड़ा सा अमेरिकन बुली से छोटा होता है और वो काफ़ी लीन बॉडी वाले होते हैं। सो अमेरिकन बुली अगर आप लेना चाहें तो वो आप इजीली ले सकते हैं, क्योंकि वो फैमिली डॉग की कैटेगरी में ही आती है और इतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती। लेकिन अगर आप कोई एक पिटबुल टेरियर लेने का सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको काफ़ी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेगी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि आप उसे सोशलाइज अच्छी तरीके से करवाना जानते हो। बेसिक चीज़ है सोशलाइजेशन और ट्रेनिंग, जो कि आपको पूरी तरीके से निभानी पड़ेगी, आपको उसके ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पार्ट जो है वो छूट जाता है तो मे बी शायद से डॉग एग्रेसिव हो जाए, मे बी शायद से ना हो, वो फैमिली के साथ रहते रहते ही अच्छी तरीके से सोशलाइज हो जाए और उतना ज़्यादा मूड स्विंग्स उसे ना हो कि कभी भी एग्रेसिव हो गया, कभी भी किसी को काट लिया। हाँ, ये बात सच है कि काफ़ी ज़्यादा डॉग्स जो होते हैं वो पिटबुल जो होते हैं वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं, बट मेनली इसके पीछे जो रीजंस है वो ओनर की ही गलतियां होती है, जहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो है जो माइनर डिटेल्स होती है, जैसे कि सोशलाइजेशन, ट्रेनिंग, फिर उसके बाद डॉग को टाइम ना दे पाना, डॉग ले तो आए फिर उसके बाद उसे लेके घूम रहे हैं लेकिन किसी से मिलने जुलने ना दे रहा कि काट लेगा, तो ये कुछ माइनर डिटेल्स होती है मेंटली जो कि डॉग्स को एग्रेसिव होने पर मजबूर कर देती है, हमेशा उसे बांध के रखना, उसे ट्रैप रखना। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आप पिटबुल लेकर आते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले दिन से ही आप उसको जो है सोशलाइज करवाना स्टार्ट कीजिए, दूसरे लोगों से मिलने दीजिए, जितने मर्जी लोगों से वो मिलता है मिलने दीजिए, फिर उसके बाद जितने डॉग से वो, अगर डॉग फ्रेंडली है सामने वाला, तो जितने डॉग से मिलना चाहता है वो मिलने दीजिए उसको। मोस्टली जो एग्रेसिवनेस वाली चीज़ें हैं वो ये सोशलाइजेशन से ही काफ़ी अच्छी तरीके से निपट जाएगी। मैं बताऊं तो मेरे एक्सपीरियंस में, खैर मेरे पास एक रोमियो है, तो रोमियो को हमको मौका नहीं मिला कि हम काफ़ी लोगों से उसे मिलने जुलने दे सके और काफ़ी डॉग से मिलने जुलने दे सके, क्योंकि रोमियो का एक पैर टूटा हुआ था, वो उसे चलने फिरने में दिक्कत होती थी बचपन में, तो उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो उस वजह से जो है रोमियो को जो है दूसरे लोगों से मिलने का मौका ही नहीं मिला और दूसरे डॉग के पास भी नहीं जा पाता था वो, क्योंकि उसको जो है पैर की अगर कुछ अटक जाता है या फिर कोई डॉग उसे काट लेता तो और भी ज़्यादा इंजरी हो सकती थी। तो वो बचपन से ऐसा ही है, मतलब ज़्यादा लोगों से भी नहीं मिला और ज़्यादा क्या कहते हैं डॉग से भी नहीं मिला। और अभी की बात है कि अभी फैमिली मेम्बर्स जो है उन सबसे तो अच्छी तरीके से घुल मिल चुका है, बाहर से भी कोई फैमिली मेम्बर आता है तो हम रोमियो को समझा देते हैं तो वो समझ जाता है, लेकिन दूसरे डॉग्स के साथ उसका उतना इंटरेक्शन नहीं है जो कि बाहर के डॉग्स के साथ होना चाहिए,
तो इस वजह से वो कभी कभार जो है एग्रेसिव भी हो जाता है। लेकिन अगर डॉग जो है कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली है और उसके पास मिलने के लिए आता है तो वो उस डॉग को कुछ नहीं कहता, उसके ऊपर बात तक नहीं करता बल्कि भागता है। तो ये मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। और वो एक जूजू भी है हमारे पास जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है। और अगर आप जूजू रोमियो टॉम जो कि हमारा 17 ईयर्स ओल्ड डॉग है उससे रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, व्लॉग देखना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल का, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, जो कि हमारा एक दूसरा चैनल है डॉग्सपीडिया, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो पिटबुल जो है उसकी जो सोशलाइजेशन है उसको आप मेंटेन करके रखें, अपने डॉग को टाइम दे तो वो अच्छी तरीके से मैनेज हो सकता है। लेकिन अभी काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ चलती रहती है कि पिटबुल ने इसको मार दिया, इसका खून कर दिया, इसको पकड़ लिया, इसके हाथ काट दिए। तो ऐसी जितनी भी न्यूज़ है सारी न्यूज़ से आपको डरना नहीं है। पिटबुल मैं बताऊँ तो एक काफ़ी अच्छी ब्रीड है और मोस्टली रिकमेंड किया जाता है कि सेकेंड टाइम या फिर थर्ड टाइम जो एक्सपीरियंस डॉग ओनर है उनको लेना चाहिए। बट फर्स्ट टाइम डॉग ओनर जो है वो भी मैंने काफ़ी ऐसे देखे हैं जो पिटबुल लेके चलते हैं लिए, और कुछ ऐसे मैंने थर्ड या फिर सेकेंड टाइम ओनर भी देखे हैं जो जिनके पास पिटबुल हैं लेकिन फिर भी उनका जो पिटबुल है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है दूसरे डॉग्स की तरफ, लेकिन ह्यूमन के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से बिहेव करता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पिटबुल है वो दूसरे डॉग्स के साथ उतना ज़्यादा फ्रेंडली ना हो, उतना ज़्यादा क्लोज ना हो, तो आप उसे डॉग्स के साथ उतना ज़्यादा सोशलाइज मत करवाइए। लेकिन ये चीज़ तो मेन है कि आपको अपने डॉग को पिटबुल को ह्यूमंस के साथ अच्छी तरीके से मिलवाना पड़ेगा, क्योंकि बाई चांस अगर किसी को काट वाट लेता है ना तो यार प्रॉब्लम आप ही को फेस करनी पड़ेगी, वैक्सीनेशन का खर्चा, ये वो, इंजेक्शन लगाओ, हो सकता है शायद में भी पुलिस केस भी हो जाए कि आपको अपने डॉग को रखा है और आप संभाल नहीं पाए। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं अगर डॉग किसी को काट लेता है तो। खैर अब यहीं पे थोड़ा सा हॉल्ट लेते हैं क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ और बार बार ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन जैसे वर्ड्स का यूज़ कर रहा हूँ, बट ये ज़रूरी है यार। पिटबुल जैसी डॉग के लिए, रॉटवाइलर जैसे डॉग के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और अगर आप कभी भी पिटबुल लेते हैं तो उसे कभी भी एक एज अ डेंजरस डॉग जैसे मत देखिए, उसको हमेशा एक नॉर्मल डॉग की तरह ही देखिए जो कि आपके घर में आया है, आपके बेबी की तरह है, बच्चे की तरह है। जितना टाइम हो सके आप उसको दीजिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए और उसको सिखाइए भी, और उसके साथ साथ कभी भी ना उसको ज़्यादा बांध के मत रखिए और लोगों से अलग मत रखिए। ये गलतियाँ लोग कभी कभार कर देते हैं कि पिटबुल डॉग ब्रीड है मेरे पास तो उसे किसी कोठरी में बंद करके रख दिया या फिर किसी दूसरे अलग जगह पर रख दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, डॉग्स को जितना खुला छोड़ोगे घर में उतने ज़्यादा वो हैप्पी रहेंगे और आपके पीछे पीछे जितना घूमेंगे उतने ज़्यादा उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि ओनर के साथ रहना डॉग्स को काफ़ी पसंद होता है, जो कि पहला ओनर जो होता है मतलब जिसको वो अल्फा समझता है, तो उनके पीछे पीछे घूमना डॉग्स को काफ़ी पसंद होता है। और ये जो चीज़ें हैं ये अगर आप समझ लेंगे तो अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हैं या फिर सेकेंड टाइम डॉग ओनर हैं तो आप अपने पिटबुल को ईजिली संभाल सकते हैं। मैंने भी प्लान किया था कि एक पिटबुल लेने का, लेकिन हुआ हो नहीं पाया क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी इतने सारे डॉग्स आ गए थे। मैंने प्लान किया था पिटबुल और गोल्डन रिट्रीवर लेंगे लेकिन हो नहीं पाया बाई चांस। तो अभी जो डॉग्स है वही काफ़ी है मेरे लिए, वही मेरे बच्चों की तरह ही है। सो अगर आप पिटबुल लेते हैं तो उसको भी बच्चों की तरह ही रखिए और उसको भी बच्चों की तरह ही ट्रीट कीजिए, जैसे आप किसी भी नॉर्मल डॉग को ट्रीट करते। उसे ये मत समझिए कि पिटबुल है तो एग्रेसिव है। और उन लोगों के लिए खासकर जो कि पिटबुल जैसे डॉग को लेके शो ऑफ करते हैं, उन लोगों के लिए खास ऐसा खतरा रहता है कि पिटबुल एग्रेसिव हो जाए या फिर कुछ हो जाए। आप अगर रफ्तार को जानते हैं तो रफ्तार के पास भी एक पिटबुल है छोटी सी, जिसका नाम तो मुझे नहीं पता, मियाँ नाम है शायद। तो रफ्तार जो सिंगर है रैपर, उनके पास भी एक पिटबुल है, तो वो काफ़ी फ्रेंडली है, उनकी मैं स्टोरीज़ देखता रहता हूँ, वो काफ़ी अच्छी लगती है। तो वैसे ही कुछ है, आप अगर पिटबुल लेते हैं तो उसे इतना डेंजरस भी मत समझिए, वो एक नॉर्मल डॉग की तरह ही है, बस उसकी हिस्ट्री जो है और न्यूज़ जो आते हैं उसके बारे में वो थोड़े से ज़्यादा डिस्टर्बिंग करते हैं, इसीलिए जो रॉब दिखाने वाले लोग हैं, शो ऑफ करने वाले लोग हैं, वो ज़्यादा लेना पसंद करते हैं ऐसी डॉग ब्रीड को। बट नॉर्मल घर के लिए भी आप ले सकते हैं, उतनी ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं मेरे ख्याल से, बट आपको संभालना आना चाहिए, वही मेन चीज़ है। ओनर अगर सही होगा, माँ बाप अगर सही होते हैं तो बच्चे भी सही होते हैं, वैसे ही ओनर अगर सही होगा तो डॉग जो है जिसको आप बचपन से बड़ा करेंगे वो भी सही होगा। तो गाइस यही था आज का हमारा एपिसोड, उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा।
और अगर पसंद आया तो लाइक कर देना इस वीडियो को, और अगर आपने काफ़ी बार ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन जैसे वर्ड सुने तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और माफ़ कर देना अगर आप ज़्यादा ऑफेंस हो गए हो तो ये ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन सुन सुन के। सो गाइस, यही ख़त्म करते हैं आज का हमारा ये एपिसोड। अगर आप डॉग से रिलेटेड और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।